हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल निशित गेमिंग टीवी में। फिर से आज के इस वीडियो में हम लोग आपको देने वाले हैं गेमिंग न्यूज़। जैसे कि आपका मालूम है, मेरे गेमिंग न्यूज़ दो सेगमेंट में डिवाइड होती है, एक हार्डवेयर सेगमेंट और एक सॉफ्टवेयर सेगमेंट, या गेमिंग सेगमेंट मान सकते हो। सो आज के हार्डवेयर सेगमेंट में पहली न्यूज़ आती है AMD की तरफ से। AMD ने अपने नए प्रोसेसर लॉन्च कर चुके हैं, जो कि राइजन 5 3600 है, राइजन 7 5800X है, और उसके बाद राइजन 9 5900X और राइजन 9 5950X, जो कि फ्लैगशिप प्रोसेसर होने वाला है। इसके मैं डेडिकेटेड वीडियो बना लूँगा आपके लिए, तो आप टेंशन मत लीजिए। अगली न्यूज़ भी AMD की तरफ से आ रही है। AMD का बिगना भी लॉन्च होने वाला है 28 अक्टूबर को, जो कि देखेंगे। और उसके बाद 29 अक्टूबर को अपना NVIDIA का ग्राफिक कार्ड भी लॉन्च होने वाला है, जो कि बहुत अच्छा होने वाला है शायद से। फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में अपना आ रहा है PS5 का डिले। हाँ गाइस, PS5 डिले हो चुका है इंडिया में, क्योंकि जो उनका ट्रेडमार्क कुछ झमेला हो चुका है, इसीलिए उन्होंने डिले कर दिया। एक महीना वेट करो, फिर आप ले सकते हो अपना। ये इंटेल अपने नए प्रोसेसर लॉन्च करने वाला है May 2021 को। क्या बताना है इंटेल यार, इंटेल तो एकदम डूबी गई है, क्योंकि भाई उन सबसे NVIDIA ने नया प्रोसेसर लॉन्च किए इंटेल ने 10th generation का, तो एक साल भी नहीं उसको लेके वो डिसकंटिन्यू कर देंगे। अब ठीक है, चलते हैं, कोई नहीं, करो आपका जो करना करो। अभी हम लोग गेमिंग न्यूज़ पे आते हैं। गेमिंग न्यूज़ पे पहली न्यूज़ PS5 रिलेटेड आ रही है। जो PS5 के गेम्स है वो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी होने वाले हैं, जो कि आप PS4 के गेम PS5 में खेल सकते हैं। उसका कंट्रोलर भी यूज़ कर सकते सिर्फ PS4 की गेम्स के लिए। ओके, वो उस कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, बट ठीक है, चलो कर, चलो ठीक है। हम लोग बात करते हैं अगली न्यूज़ के बारे में, साइबरपंक 77 के बारे में। तो उसमें उसकी जो लॉन्च डेट है वो सही है, अभी गलत नहीं है, वो जल्दी लॉन्च होने वाला है। उनका बीटा टेस्ट हो चुका है और वो लोग गोल्ड इसमें आ चुके हैं, साइबरपंक 77 में। तो सही है, जल्दी लॉन्च होता है, मेरे को खरीदनी है गेम। हम लोग बात करते हैं अगली गेम न्यूज़ के बारे में, जो कि वैलोरेंट की तरफ से आ रही है। वैलोरेंट के दो नए कैरेक्टर, एक कैरेक्टर और एक नया मैप ये हो चुका है, जो कि मैप का नाम है आइस बॉक्स और कैरेक्टर का नाम मुझे याद नहीं, मैं आपको बाद में बता के बोल दूंगा। उसके बारे में बात करें, हम लोग बात कर रहे हैं एक नई गेम गोस्ट रनर, जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वो भी ज़बरदस्त है, वो भी डेमो टेस्टिंग में चल रही है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। और PS4 में आपको कॉल ऑफ ड्यूटी कोल्ड वॉर का बीटा टेस्टिंग चल रहा है, बीटा आपको फ्री में मिल रहा है, तो आप चेकआउट कर सकते हो बीटा, डेमो बीटा कुछ तो है वो। सो अभी आखिरी न्यूज़ के बारे में बात करें, फॉल गाइस का season 2 आ चुका है, भाई जाओ खेलो, बहुत मजा आएंगे आपको। सो बस आज के वीडियो में इतना ही। सो हर मंडे को हम लोग ये न्यूज़ का सेगमेंट लेके आते हैं। सो आज के न्यूज़ सेगमेंट में इतना ही। सो बाय बाय, सुटाटा, हमारा इस।